में चीन की महायुद्ध की तैयारी। पैंगोंग झील के पास जमा किया हथियारों का जखीरा। भारत के लिए फिर पैदा हुआ तगड़ा संकट। चीन को लेकर सामने आ रही खबरें करोड़ों भारतीयों में हलचल पैदा करने वाली हैं, क्योंकि भारत को कोरोना से घिरा देख चीन ने 1962 वाली अपनी कुटिल चाल को चल दिया है। लद्दाख की पैंगोंगसो झील के फिंगर फोर से लेकर 8 तक सेना को हटाने वाले चीन ने पास ही में स्थित अपने सैन्य ठिकाने रुटोग में बड़े पैमाने पर हथियार और सैनिक जमा कर रखे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि चीन ने न केवल यहां सैनिक तैनात कर रखे हैं, बल्कि अपने रुटोग सैनिक अड्डे पर तेजी से आधुनिकीकरण का काम कर रहा है। चीनी तैयारी से साफ नजर आ रहा है कि अगर उसे भारत की ओर से खतरे का अंदेशा हुआ तो वो तत्काल बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियार पैंगोंग झील के पास भेज सकता है। द इंटेलिजेंस की ओर से 11 मई को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीन ने रुटोग में युद्धक वाहन, हथियारों का जखीरा, जवानों को गर्म रखने वाले टेंट लगा रखे हैं। चीन ने कई ऐसे बैरक बनाए हैं जिन्हें ऊपर ढक रखा है ताकि सैटेलाइट से उसके अंदर नहीं देखा जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके अंदर चीन ने बड़े पैमाने पर हथियार छिपा कर रखे हैं। तस्वीर से चीनी सैन्य बेस काफी विशाल नजर आ रहा है। चीन ने अक्साई चिन पर बनाए हेलीपोर्ट और बैरक। चीन अक्साई चिन इलाके में भी बहुत तेजी से आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन अक्साई चिन इलाके में नए हेलीपोर्ट और बैरक बना रहा है। यही नहीं, चीन भारत से सटे इलाकों में सड़कें और सैनिकों के आने जाने के लिए जरूरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में जुट गया है। तस्वीर में चीन के उपकरण साफ नजर आ रहे हैं। चीन ने भारत के साथ सैनिकों को हटाने के समझौते के बाद भी देपसांग प्लेन, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग झील के पास बड़ी तादाद में सैनिक जमा कर रखे हैं। यही नहीं, चीन अब देपसांग, हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट से सेना हटाने के आश्वासन से पीछे हट रहा है। भारत और चीन के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका हल होता नहीं दिख रहा है। आर्मी चीफ नरवणे ने कही बड़ी बात। भारत चीनी खतरे से पूरी तरह से वाकिफ है। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि पैंगोंग झील के आसपास के इलाके से सैनिकों के पीछे हटने से भारत को खतरा कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले साल पैंगोंग झील के आसपास हुई हिंसक झड़प के चलते गतिरोध पैदा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने धीरे धीरे अपने हजारों सैनिकों की उस इलाके में तैनाती की थी। कई दौर की सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से से सैनिकों और हथियारों को पूरी तरह से पीछे हटाने पर सहमति जताई थी। बीजेपी सांसद ने कहा डरपोक बनने से नहीं चलेगा काम। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि चीन के साथ डरपोक बनकर काम नहीं चलने वाला है। स्वामी ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच के लिखे एक लेख को शेयर करते हुए ये ट्वीट किया है। इस लेख में कटोच ने लिखा है कि दुनिया के सामने अब ये बात साफ हो चुकी है कि चीन साल 2015 से ही कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। साथ में लक्ष्य देश के स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना भी इसमें शामिल था। कटोच ने लिखा, हालांकि चीन ने वायरस के सामने आने के बाद दुनिया के आगे इस तरह से दिखावा किया कि वो कोरोना महामारी से पीड़ित है। जुलाई 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस एडनॉम घिब्रियस को नियुक्त किया जाना इस योजना का हिस्सा था। उन्होंने वुहान वायरस को कोविड करार दिया था। कोरोना के नाम पर दुनिया को भटका रहा चीन। कटोच के मुताबिक चीन की जैविक युद्ध से जुड़ी तैयारियों से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग देशों के म्यूटेंट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे चीन बच निकले। हालांकि चीन धीरे धीरे तमाम गलत कारणों से सुर्खियों में आ रहा है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने शिनजियांग में उइगर क्षेत्र में उइगरों के खिलाफ चीन के अत्याचारों पर चर्चा की। इसी तरह कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने हाल ही में भूटान क्षेत्र के अंदर एक चीनी गांव के निर्माण को कवर किया है। चीन विदेशी क्षेत्रों पर ऐतिहासिक दावों के निर्माण के लिए कानूनी युद्ध का इस्तेमाल करता रहा है। यह अवैध दावों को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ स्थानों को चीनी नाम देने पर जोर देता है।
बीजिंग ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों को चीनी नाम दिया है, जिस पर वो अवैध रूप से दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है। नवंबर 2020 में चीन ने भूटान की दक्षिण पश्चिमी सीमा के अंदर तोरसा नदी के किनारे पंगडा नाम का एक गांव बनाया था। उसने डोकलाम क्षेत्र में स्थापित गांव की तस्वीरें पोस्ट की और बाद में बस्ती के सटीक स्थान का संकेत दिया। हालांकि बीजिंग और थिम्पू दोनों ने इस बात से इनकार किया। अब सेटेलाइट इमेज एक चीनी गाँव ग्याला पुक की तस्वीरें सामने लाई है, जिसमें कहा गया है कि इसे भूटान के अंदर 2 किलोमीटर में बनाया गया है, जिसमें एक नई सड़क है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि भारत के साथ सीमा तक सुरक्षित पहुंचे इसके लिए चीन ने पश्चिमी भूटान के अन्य क्षेत्रों पर धीरे धीरे अतिक्रमण कर लिया है।